नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज दूत और मैं हूं आपका दूत सुधीर उपाध्याय। डल झूलनी एकादशी, इसे परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। वास्तव में माना यह जाता है कि इन चौमासे के दिन में यानी देव सोनी सवनी एकादशी से लेकर देव उठनी एकादशी के बीच जब भगवान शयन सैया पर बैठे रहते हैं, तब लक्ष्मी नारायण भगवान इस दिन यानी परिवर्तनी एकादशी के दिन करवट बदलते हैं। जब वह करवट बदलते हैं, वास्तव में उसी दिन को डल झूलनी और परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। साथ ही यह भी माना जाता है, यह किंवदंती है, पौराणिक कथा है कि माता यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण को जन्माष्टमी के 18वें दिन जब माँ यमुना में स्नान कराया तो उनके स्नान कराया, उसको डल झूलनी एकादशी कहते हैं। कहा जाता है तभी से यह मान्यता है कि भगवान श्री लक्ष्मी नारायण या श्री राधा कृष्ण को नर्मदा जी या कोई पवित्र नदियों में नौका विहार कराया जाता है। मंडला जैसे आदिवासी इलाके में विगत 200 वर्षों से यह धार्मिक मान्यता और परंपरा निरंतर चल रही है, जो आज भी जीवंत बनी हुई है। दशी है, इसी बीच एक मंदिर है मंडला नगर का, जिसे बैयोबाई का मंदिर कहते हैं। बताया यह जाता है कि बैयोबाई एक लोधी जाति की महिला थी, जो करीब 170-180 वर्ष पूर्व इस छोटे से राधा कृष्ण मंदिर में, जो उस समय चबूतरा नुमा था, राधा कृष्ण को जब डोले के रूप में डल झूलनी एकादशी में मां नर्मदा पर विहार करने ले गईं, तब तेज बहाव और बाढ़ के कारण वह डोला पूरी तरह से डूब गया और भगवान श्री राधा कृष्ण की मूर्ति भी जल समाधि ले चुकी थी। लेकिन भक्त बैयोबाई को का मन नहीं भरा, दुखी रहने लगी और उसने संकल्प ले लिया कि जब तक भगवान नहीं मिलेंगे मैं जल नहीं पीऊंगी, अन्न नहीं खाऊंगी। मान्यता छोटी नावें 3 या 4 बांध के और उसमें डोला रखा जाता था और 2 छोटी नाव बांध के उसमें साथ में बाजी वाले चलते थे और राधा जी और कृष्ण जी दोनों को जल विहार के लिए ले जाया जाता था। नदी में पानी कुछ ज़्यादा था, कैसे नाव असंतुलित हुई कि डोला डूब गया और राधा कृष्ण दोनों थे और नर्मदा जी में वो जल मग्न हो गया डोला और मूर्तियाँ वहीं रह गईं। उस समय इसके निर्माण करने वाली जो महिला थीं वो थीं काफ़ी वृद्ध हो चुकी थी, जिंदा थीं वो बड़ी दुखी हुई, उनने भोजन और पानी छोड़ दिया कि जब तक भगवान नहीं मिल जाते तब तक मैं अपने जल ग्रहण नहीं करूँगी, प्राण त्याग दूँगी। काफ़ी खोज कराई गई लेकिन पानी नर्मदा जी में बढ़ा हुआ था और मूर्तियाँ नहीं मिली, डोला नहीं मिला। तीसरे दिन चौथे दिन रात में उनको स्वप्न में कृष्ण जी ने एक जगह बताई बैयोबाई को कि मैं यहाँ पे हूँ और मैं ही मिल पाऊँगा, राधा जी नहीं मिल पाएंगी। दूसरे दिन गोताखोरों ने वहाँ खोज की तो कृष्ण जी की जो मूर्ति है वो तो प्राप्त हो गई, डोला और राधा जी नहीं मिली। तो वो वाली मतलब कृष्ण जी को ला के मंदिर में स्थापित कर दिया गया और राधा जी की मूर्ति दोबारा बनवाई गई तो दोबारा अब ये सफ़ेद संगमरमर की मूर्ति बनी है और ये हो गया। मान्यता यह है कि करीब एक हफ्ते बाद भगवान श्री कृष्ण ने बैयोबाई को स्वप्न में बताया कि यहाँ मुझे खोजा जाए तो मैं मिल जाऊँगा, लेकिन राधा तो नहीं मिलेंगी। स्वप्न के अनुसार कथित रूप से जब बैयोबाई ने विभिन्न तैराकों के माध्यम से उस स्थान पर खोज किया तो भगवान श्री कृष्ण मिल गए, जो आज भी श्याम वर्ण के हैं और बैयोबाई आजाद वार्ड स्थित अस्पताल के पीछे कृष्ण मंदिर में विराजित हैं।
आपको यह भी आश्चर्य होगा कि उस समय से लेके अब तक भगवान श्री कृष्ण को जब डलझूलनी एकादशी आती है, परिवर्तनी एकादशी आती है, तो उन्हें आज भी डोले में रस्सी में बांधकर ले जाया जाता है जल विहार करने। एकादशी जिसे डोल ग्यारस कहा जाता है, विश्व में ये त्यौहार केवल मंडला जिले में मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि यशोदा जी कन्हैया जी को यमुना तट में ले गई और वहाँ यमुना जी का पूजन के पश्चात कन्हैया जी के बाल जो है यमुना जल से धोए और उसी परंपरा के अनुसार ये हर साल ये जन्माष्टमी के 18वें दिन ये डोल ग्यारस का पर्व पड़ता है और ये यशोदा जी ने जो बाल यमुना में धोए थे कन्हैया जी के, उसके ठीक 18वें दिन बाद जो है ये जलझूलनी एकादशी ये परंपरा अनुसार जो है मनाई जाती है। जैसा कि अब अभी हमारे मैनेजिंग ट्रस्टी श्री अश्विनी वाजपेयी जी ने बताया कि किस तरीके से भगवान पानी में कूद गए थे और राधा जी नहीं मिली, तो उस समय से कन्हैया जी को अकेले जो है जल विहार के लिए ले जाया जाता है, लेकिन उनको डोले में रस्सी से बांध के और फिर यहाँ से हम लोग शोभा यात्रा के माध्यम से उनको जल विहार करा के वापस मंदिर ला के स्थापित करते हैं। अब रस्सी में क्यों, कहा यह जाता है कि राधा रानी तो नहीं मिली, कहीं ऐसा ना हो कि ये ठाकुर जी भी राधा रानी के पास पुनः वापस चले जाएं। भक्त का भाव होता है और भाव ही भगवान को आकर्षित करता है। शायद इसीलिए बैयोबाई के इस मंदिर में करीब 150 वर्षों से यह परंपरा, यह कथा जीवंत बनी हुई है आज भी। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप जब शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, तो हमें प्रोत्साहन मिलता है। कर दीजिए धन्यवाद। जय हिंद।